Aries, welcome back to my channel. Welcome to my channel if you have landed here for the very first time. Hope you subscribe to my channel, click on notification bell so don't miss out any further updates. You can also follow me on my Instagram, Twitter, Facebook. Sarah ke sai link hoga description box mein. Namaste, this is Dvija aur kaise hain aap? We are seeing Elvis Yadav versus Dhruv Rathi Lafda. Lafde hi lafde hain bhai sabki life mein aur online bhi. आई मीन लाइफ में तो ही ऑनलाइन है वट एवर दैट इज लेट्स सी लेट्स गेट एक खबरेश है आई थिंक मुझे लग रहा है बट विल सी अगर कोई उटपटांग सी न्यूज आ रही है या फिर इस पे ज्यादा फोकस है लेट्स गो लेट्स गेट इट हर बात की तरह उम्मीद है वीडियो जाएगा रहेगा मजा आएगा ऑल राइट प्लेइंग एलिस यादव वर्सेस ध्रुव राठी जहाँ लफड़ा वहाँ हम पर फिर एक नया खबरेश फिर एक नया लफड़ा और आज मैं अपना सूट लाना भूल गया सो सॉरी तो आज हम बात करेंगे ध्रुव राठी वर्सेस एल्विश यादव किसके फैन बेस से मुझे ज्यादा गालियां पड़ेंगी तो आपको तो पता ही है ध्रुव राठी एक आज साल से एल्विश यादव को कब से टॉन्ट मार रहे थे पोक कर रहे थे एल्विश यादव ने फाइनली एक वीडियो डाल दिया जिसपे 9.5 मिलियन व्यूज हो गए एक दिन में जिसपे 1 मिलियन से ज्यादा लाइक्स है और 4.5 लाख से ज्यादा डिसलाइक है मैं इसलिए काउंट कर रहा हूँ अभी सब मिला के मेरे को डिसलाइक आएंगे ये वीडियो पे पहली बात डिस्क्लेमर ओके खबरें शो एक एंटरटेनमेंट शो है यहाँ और डिस्क्लेमर ये यहाँ पर हर साइड पे जोक्स किए जाते हैं हर चीज पे जोक्स किए जाते हैं लेकिन साइड नहीं ली जाती है ठीक है क्योंकि अगर आपको साइड लेनी है तो ये दो चैनल तो है ही तो एल्विश ने 40 मिनट के ऊपर का रोस्ट वीडियो बनाया ध्रुव राठी पे 40 मिनट का वीडियो Wow. लफड़ा सेंट्रल के एपिसोड 40 मिनट के होते हैं लेकिन यस टाइटल देखो जर्मन शेपर्ड है थंबनेल में एक बात तो एल्विश भाई को जानवरों से बहुत प्यार है कोई बात नहीं एल्विश भाई को इस वीडियो का रेवेन्यू बेल में काम आ जाएगा ध्रुव राठी को इंडिया से जाने की टिकट में तो एल्विश यादव ने वीडियो के एंड में बोला कि उनका 80% काम उनकी टीम ने किया है बेसिकली okay. वो यूट्यूबर्स जो पहले ध्रुव पे वीडियो बना चुके हैं बट एल्विश ने एक बहुत ही स्मार्ट मूव किया इस वीडियो में ध्रुव की एडिटिंग मॉक की है ध्रुव का बैकग्राउंड ध्रुव का बात करने का स्टाइल सब कुछ सेम रखा है यहाँ तक की प्रोपोगंडा का स्पेलिंग जो की गलत था वो भी ओके इस वीडियो में एल्विश यादव ने बहुत सारी चीजें रिवील की है मतलब बहुत सारे लोगों का फेस रिवील कर दिया अब बेचारे जब अपना यूट्यूब चैनल खोलेंगे पता नहीं क्या करेंगे लेकिन लोग बोल रहे हैं हमें समझ तो गया कि ध्रुव बहुत वेल कनेक्टेड है यूट्यूब के वो 17 एम्प्लॉइज से बट वीडियो बहुत ही बढ़िया वेल रिसर्च था बट एक मजा नहीं आया मेरे को एल्विश के एडिटर को इतनी आदत हो गई है बीप वगैरह लगाने की गालियां काटने की कि इस वीडियो में भी वर्ड्स कट रहे थे जबकि गालियां भी नहीं थी और कोई बदतमीजी वाली वीडियो नहीं ना कोई गाली गलोच होने वाला इसमें जो भी कोई एक्सपेक्ट कर रहा हो कि 2020 में तो एल्विश भाई गाली बकता था अब क्यों नहीं बक रहा भाई बहुत प्यार से सारी चीजें ध्रुव पे ये भी आरोप लगाए कि वो अपने फोटोज वीडियोस डिलीट करता है ध्रुव भाई मेरा स्टोरेज फुल हो रहा है थोड़ा हेल्प करो आज मूड नहीं कर इसे कल देखते हैं इस काम को अभी क्या है अभी मैं फोन उठाकर थोड़ा इंस्टाग्राम पे रिलैक्स करता हूँ बट एल्विश ने बहुत ही प्यार से बात की इस वीडियो में ध्रुव राठी के लिए उतना ही जितना ध्रुव मोदी जी से प्यार करते हैं एकदम प्यार अब ये वीडियो देख के आप बताइए आपको किसकी साइड लेनी चाहिए थगेश की या खबरेश की ध्रुव राठी ने अभी सामने से पोक किया है उंगली किया है उन सभी ने रिप्लाई दिया लेकिन उसका रिप्लाई ध्रुव की तरफ से अभी तक आया नहीं है मेरे को पता नहीं ये सारे थगेश शो के गेस्ट लफड़ा सेंट्रल के गेस्ट क्यों बनते जा रहे हैं ध्रुव राठी राहुल गांधी एंड मोदी जी के बीच में एक डिबेट हो मैं भी चाहता हूँ कि ये डिबेट लफड़ा सेंट्रल पे हो समय आपका जगह हमारी ध्रुव वर्सेस एल्विश भी कर सकते हैं आप बताइए आपको ध्रुव राठी या एल्विश यादव दोनों में से कौन चाहिए लफड़ा सेंट्रल पे कमेंट डाउन कसम से अगर पोकेमोन बैटल होता ना एक के पोकी बॉल से जर्मन शेपर्ड निकलता एक के पोकी बॉल से सांप निकलता सांप वाला एकंस था और कुत्ते वाला कौन सा पोकेमोन ग्राउलिथ नहीं कोई तो था एक की तरफ से एकंस आएगा एक की तरफ से आर्कनाइन आएगा बहुत वेल रिसर्च जोक था गाइस ये तुम लोगों से क्या आ गया मेरा सूट हां तब बात करते हैं रियान पराग के बारे में जो आईपीएल में तो बहुत ही चुम्बेश्वरी परफॉर्म किए लेकिन आईपीएल के बाहर इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे बेसिकली रियान पराग जो कि फेमस होने चाहिए थे आईपीएल में हिस्ट्री क्रिएट करने बट इसलिए फेमस हो गए क्योंकि यूट्यूब की सर्च हिस्ट्री डिलीट करना भूल गए रियान पराग क्रिकेटर होने के साथ साथ एक यूट्यूबर भी है जिनकी एक लाइव स्ट्रीम के दौरान सर्च हिस्ट्री लीक हो गई व्यूअरशिप के चक्कर में स्पोर्ट्समैनशिप गई क्योंकि उनके सर्च हिस्ट्री में अनन्या पांडे हॉट पिक्स सारा अली खान हॉट पिक्स आ गया
वो सब ठीक है, एनीवे बंटा एक कंपनी सॉन्ग रिएक्शन क्यों सर्च किया है? अरे समटाइम्स वो सर्च हिस्ट्री, आई डोंट नो, आई डोंट थिंक दैट. क्या क्या सर्च करते हो भाई? 2010 में जी रहे हो क्या? रियान भाई, अगर बॉलीवुड एक्ट्रेस से शादी करके मान्यवर की ऐड करनी है तो बता दो यार. क्या KKR जब जीता था सबने फ्लाइंग किसी दी थी, अनन्या ने भी दी थी, रियान भाई को लगा रहेगा ये तो मेरे लिए है भाई. लगता है आपके प्यार में गिर गई भाई. इधर अभी कुछ खराब नहीं आता, बी ऑनेस्ट. अनन्या पांडे हॉट पिक्स. तीसरा आईपी एड्रेस ले 210.212. इसलिए मेरी सारी वीडियोस एडिटेड होती है, कहीं ऑडियंस को पता ना लग जाए कि मैं ही था. इसके बाद रियान पराग ने वो लाइव स्ट्रीम डिलीट की. लेकिन क्या इंटरनेट पे जब कोई चीज आ जाती है तो वो नहीं जाती. हमारे यूट्यूबर्स के साथ भी बहुत बार हुआ है, लाइव स्ट्रीम में कुछ दिख गया वो जाता नहीं भाई वापस. कौन कौन था वो? डालना मत कोई भी फोटो, डालना मत साले किसी यूट्यूबर का, बहुत मार हुआ पता है हमें. अब फिर भी करेंगे इसके लिए, थैंक यू, बर्बादी की हद तक करेंगे. ये देख के सारा और अनन्या का पता नहीं, चंकी पांडे और सैफ बाबू का जरूर डीएम आएगा. बट यार इतना ट्रोलिंग हो रहा है, वो सिर्फ 22 साल का है भाई, को पता नहीं यार इतना सब सोशल मीडिया का. तुम सब सर्च करते हो खबरेश हॉट पिक्स, तुम सब करते हो, मुझे भी पता है तुम सब करते हो खबरेश हॉट पिक्स. और इजीली क्लोजिंग करो अपनिंग इन वाटर, खबरेश अनफिल्टर्ड हो जाएगा. यान भाई सोच समझ कर जरा, एक्टर मॉडल लोग से 70% प्रॉपर्टी देनी ना पड़ जाए. 70% प्रॉपर्टी से याद है हार्दिक और नताशा के डिवोर्स के रूमर्स आ रहे हैं. मैं कुछ क्लेम नहीं कर रहा, ये रूमर्स है कि हार्दिक पांडे और उनकी वाइफ नताशा नताशा जी का डिवोर्स हो रहा है. यार ये क्या टीम इंडिया में सिलेक्ट होना है तो डिवोर्स होना मैंडेटरी है क्या? एंड ये भी लोग एनालाइज कर रहे हैं कि नताशा इस बार के IPL में कोई भी मुंबई का मैच अटेंड नहीं की. बट लोग ये भी एनालाइज कर रहे हैं कि जिस हिसाब से मुंबई का परफॉर्मेंस था आनी भी नहीं चाहिए. कोई नहीं आ रहा था मेरी. लेकिन हार्दिक भाई भी कम नहीं, हार्दिक भाई भी स्मार्ट आदमी, उन्होंने पहले ही ये चीज प्रेडिक्ट किया था. देयर इज इनवॉल्व्ड अकाउंट, बोलते मेरे को पार्टनर, तुम्हारे अकाउंट में मैं पार्टनर रहूंगी. सो माय फादर के अकाउंट में मम्मी का नाम है, भाई का नाम है, और मेरा अकाउंट है. और इसमें बड़ोड़ा मदर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट यार, सब उनके नाम पे. फ्रॉम हैविंग अ कार टू हैविंग अ हाउस टू एवरीथिंग. अलग मेरा भरोसा नहीं, मैं मेरे नाम पे नहीं लूंगा, मतलब मेरे नाम पे मैं नहीं लूंगा 50% किसी को. मेरा भरोसा नहीं. व्हाट पहला छह तो गुजराती, छह तो गुजराती है, बिजनेस वाइज पैसा दोनों संभालना आता है भाई को. बट कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि हेट मिलने के बाद सिंपति गेन करने के लिए ये पूरा PR. आई हर्ड अबाउट दिस सर. भाई ये मुझे नहीं पता, सीरियल नहीं चल रहा है जो गिरते TRP को बचाने के लिए डिवोर्स लाएंगे स्क्रिप्ट में. मक्खी गया मुंह में क्या हार्दिक भाई? मक्खी बिक्खी भेज रहे हो क्या? डरता रही है, सच बोला जाएगा इस चैनल पे. वो नियॉन मैन न्यूज भाई पूरे दिन हार्दिक पांडे का इंस्टाग्राम खोल के बैठे, कुछ तो आएगा स्टोरी. ए यूट्यूबर नहीं है चल. हार्दिक भाई की शादी की इतनी एक्साइटमेंट नहीं थी जितनी डिवोर्स की हो गई. अपने घर में जाग, अपने घर में देख, इतने लोचे है. नहीं तो हार्दिक भाई के 5 मिनट बाद तुम्हारा हियरिंग होएगा. अगली एक सीरियस न्यूज आ रही है, पुणे का पोर्शा वाला केस तो आप सबको पता ही होगा. पुणे के 17 साल के वेदांत अग्रवाल ने 2 लोगों का खून कर दिया अपनी गाड़ी से. फर्स्ट ऑफ ऑल माय कंडोलेंसेस विद द विक्टिम्स. ओके, मेरे हिसाब से ये 17 की उम्र में ना ये लोग को गियर वाली साइकिल देनी चाहिए. क्या ये लोग को पोर्शा वर्षा दे देते ना घर वाले? साला मैं तो थम्सअप की कांच वाली बोतल बियर समझ के पीता था. इतने सारे चैप्टर्स निकल के आ रहे हैं. सॉरी फॉर लाफिंग, बट कभी बाप जिम्मेदार, कभी ड्राइवर जिम्मेदार, कभी मम्मी जिम्मेदार, कभी डॉक्टर्स ने सैंपल चेंज किए, कभी कुछ हो रहा है भाई. इस पर नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री नहीं बनी तो मैं डिसअपॉइंट होऊंगा. इनके ग्रैंडफादर ने इस एक्सीडेंट का केस ड्राइवर पे डालना चाहा. वी ऑल हैव सीन दैट बिफोर. सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने इस ड्राइवर को एक रूम में कई दिनों तक बंद रखा और ड्राइवर को घूस देने की कोशिश की कि तू इल्जाम अपने सर पे ले, तेरी फैमिली हम संभाल लेंगे. भाई बेटे को बंद किया रहता ना रूम में तो ये नौबत ही नहीं आती. इससे एक ऐसे लिखा नहीं जा रहा और लोग रैप बना रहे देखो इसके ऊपर. बैठा मैं नशे इन माय पोर्शे, सामने आया कपल मेरे अब वो है नीचे. ये रैप वाले पे हम आगे जाके आते हैं, बट शुरुआत में ये बंदे को 2 दिन में बेल मिल गई थी और पनिशमेंट के तौर पर 300 वर्ड्स का ऐसे लिखने बोला और 1 हफ्ता पुलिस के साथ वॉलंटियरिंग करने की सजा. ड्राइवर से लिखवा लेता क्या? पढ़ा लिखा होता तो ड्रिंक एंड ड्राइव थोड़ी करता. जितना पैसा ये बच्चे की बेल मांडवली में डाल रहे हैं ना,
इतना इसकी परवरिश में डाला रहता तो ये दिन देखने नहीं मिलता। और इसके ऊपर एक बंदे ने रैप बनाया करके बैठा मैं नशे इन माय पोर्शे, सामने आया कपल मेरे अब वो है नीचे, साउंड सो क्लीशे, सॉरी गाड़ी चढ़ दी आप पे, 17 की उम्र पैसे खूब मेरे बाप पे, एक दिन मैं मिल गई मुझे बेल, फिर से दिखाऊंगा सड़क पे खेल, प्लेइंग केरोसिन फॉर्म की माय स्पोर्ट्स कार, चार यार मेरे साथ फाड़ देते। फिर क्या, पुलिस ने वो बंदे को भी धर लिया, तू इधर आ, मेरे ऊपर केस कर दिया ताकि सारी की सारी लाइमलाइट जो है वो मेरे ऊपर आ जाए और लोगों का ध्यान भटक जाए पूरे। अच्छा। केस से क्यों नहीं करेंगे भाई, करोड़पति का बेटा जो है वो, मैं एक मिडिल क्लास आदमी भाई। देखो भाई अब ये विक्टिम कार्ड प्ले कर रहा है। मैं एक मिडिल क्लास आदमी भाई। अबे तो तू भी नीमा किसी बिल्डर से बन जा अमीर, मुझे क्यों आगे बोल रहा है, फीट पे ध्यान। देखो भाई ये बार बार आ रहे हैं भाई फीट पे। बेचारे जो विक्टिम थे उनको जस्टिस नहीं मिल रहा, सब विक्टिम बने बैठे। इतने भी साले डैंक वाले लोग है ना, देख लो भाई देख लो तुम्हारा डैंक ह्यूमर। इतना ही नहीं, बीसीसीआई ने गूगल फॉर्म निकाला इंडिया के हेड कोच पोजीशन के लिए। यस। और उसके बाद देश की छिछोरापंती चालू हो गई। बीसीसीआई रिसीव्ड ओवर 3000 एप्लीकेशंस फॉर इंडियाज हेड कोच मोदी जी अमित शाह। यस यस, सारे फेक नामों से एप्लीकेशंस आए। क्या अमित शाह जय शाह, ये लोग थोड़ी कोचिंग करते, ये लोग सिर्फ स्क्रिप्टिंग करते। पता नहीं कोई तो रणवीर सिंह का नाम डाल दिया कि 83 वर्ल्ड कप में जीता है, इधर भी जीते। People are seriously something at this point. वालों को समझना चाहिए, राहुल द्रविड़ गौतम गंभीर जैसे कोच होते हुए गूगल फॉर्म कौन डालता है। यकीन नहीं आ रहा कि मेरी सिलेक्शन हो गई है या नहीं हुई है। सुनने में आया कि रवि शास्त्री को वापस अप्लाई करना था लेकिन वो ड्रिंक किए हुए थे तो फॉर्म में कुछ समझ नहीं रहा। आई डोंट गेट दिस रेफरेंस ब्रो। Anyways, but I is he an alcoholic? Gautam Gambhir बने इंडिया के हेड कोच। ओके यस, मैंने और गौती ने पूरा डिफरेंसेस खत्म कर दिया है। अच्छा। विराट भाई एंड गौती भाई दोस्त, तो मैं एंड गौती भाई भी दोस्त। और अभी देखो बच्चों के रिजल्ट्स भी आए, महाराष्ट्र में 10th क्लास के रिजल्ट्स आए। अब आई होप बहुत सारे लोग पास हुए हो, जो नहीं हुए वो यूट्यूबर बन जाओ। एक स्टूडेंट पास हुआ, उसके लिए उसके दोस्तों ने उसके लिए रैली निकाली। यस, क्योंकि उसको 50% आए। यस 50%। दोस्त लोग को बोला था पास हो जाऊंगा तो पार्टी दूंगा। अभी दोस्त लोग को थोड़ी फर्क पड़ता है 35 आए 40 आए कितने भी आए। दोस्त लोग ने भी लाया जेसीबी रैली के लिए। उनको भी मालूम है इतने परसेंट में तो कंस्ट्रक्शन साइट पे ही नौकरी मिलेगी। मेरा बुरा वक्त देख के मेरे दोस्त, जब अच्छे वक्त में हम तेरे साथ थे तो बुरे वक्त में हम तुझे छोड़ के। एक और बंदा था जिसकी रैली निकाली गांव वालों ने, क्योंकि वो 10th पास हुआ, यस 10वीं पास हुआ 10 साल बाद 11वें अटेम्प्ट में। ओह, एट लीस्ट ही नॉट गिव अप। परीक्षा अन्नरो पास अन्नरो थुंबई मार्कुल अन्नरो तीरा फैमिली कोडकुन तू भाई, थोड़ा एक दो साल और रुक जाता ना, तेरे बच्चों के साथ जाता तू एग्जाम में भाई, फील होता वो अलग। अब देखो उसका भी गलती नहीं है, 10 साल में 4 बार तो सिलेबस चेंज होता है, हर बार नया नया पढ़ना पड़ता है उसको यार। है स्कूल में बेचारा जाता होगा तो लोग बोलते होंगे अरे पेरेंट टीचर मीटिंग आज नहीं है। और एक बंदे के लिए रैली निकाली जिसने लाए 35%। आहा, कट टू कट को हर सब्जेक्ट में 35 आए एग्जैक्ट। वियर्ड, कुछ तो गड़बड़ है। अग्री, ऐसा लग रहा है पहले कंपटीशन होता था ज्यादा से ज्यादा मार्क लाने का, अभी देखो कम से कम लाने का कंपटीशन चल रहा है। चलो अब ये तो थी ना पढ़ने वालों की बात, अब करते हैं पढ़ाई करने वालों की बात। एक सीए बॉयफ्रेंड जिसका ब्रेकअप हो गया अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, उसने ब्रेकअप के बाद अपनी गर्लफ्रेंड को पूरा एक्सेल शीट भेजा एक्सपेंसेस का। सिर्फ एक्सपेंसेस नहीं, उसने जीएसटी भी ऐड किया 18%, जो कि उसको कैश में चाहिए पूरा। इसको बोलता है अपनी शक्तियों का सही इस्तेमाल करना। उसने मोड ऑफ पेमेंट में ईएमआई का ऑप्शन भी दिया जिसमें 4% इंटरेस्ट लगेगा। भाई ने 10 रुपए के सिगरेट के भी पैसे ऐड किए, सिगरेट जलाने के लिए अगर माचिस लगती है तो उसका भी पैसा ऐड किया है। इतना ही मिलेगा क्या कुछ इसको? कॉइल तक के पैसे यू नेवर नो ऑन दैट। भाई ये मेरे को मिल जाए ना, जितने पैसे बाकी है सबसे वसूलूंगा, बहुत बाकी है। सोचो हार्दिक भाई ने ऐसा किया होता तो नताशा के लिए किया होता तो। बट बंदा इतना भी बुरा नहीं, इसने उसकी आईटीआर फाइलिंग फ्री में कराई। यस, और देखो लोग बोलते हैं शिवलरी इज डेड। व्हाट डेड? क्या मेरा सूट चला गया? आई थिंक दैट्स इट टुडे गाइस, सूट चला गया है। वीडियो पसंद आया लाइक करो, चैनल पे नहीं हो तो डू सब्सक्राइब। पिछला हमने IPL 2024 रोस्ट वाज द बेस्ट, आई हैव टू से इट। लास्ट टाइम मैंने बोला था उनके रोस्ट पे एंड आई एम गोना से इट अगेन, इट वाज जेन्युइनली द बेस्ट, बहुत मजा आया था। Even Big Boss 1 was amazing. I keep repeating it, but yeah, जो अच्छा था वो अच्छा था, and I would not say that.
बड़ा टेंथ का पता नहीं, अभी टेंथ का रिजल्ट तो पहले नहीं आ गया था, पता नहीं अभी, आई हैव नो आइडिया एज टू कब किसका रिजल्ट आ रहा है, पर वट एवर इट इज, इफ एट ऑल आपका रिजल्ट आया है, आई होप इट्स गुड फॉर यू, वट एवर इट इज, एंड होप योर फ्यूचर इज बेटर देन वॉट यू हैव थॉट, एट लीस्ट राइट, दैट्स वॉट आई कैन से. I will see you guys next time. Bye, berries. Love you. And hopefully, hum. Yeah. We have more videos coming up because literally, abhi koi videos nahi aa rahe, but that's fine. Jo aayenge, karenge. Nahi aayenge, to kuch aur dhoond lenge. Bye.